हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो गाइस, मैंने अपनी एक पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि मार्वल के अंदर कितने सुपर सोल्जर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ मार्वल के 5 सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर सोल्जर के बारे में कि वो कौन कौन है और कितने नंबर पे आते हैं। तो अगर आपको भी जानना है कि सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर सोल्जर कौन सा है तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। 5वें नंबर पे आता है हमारा इजाया ब्रैडली। ये जो एक ब्लैक सुपर सोल्जर होता है जिसको कैप्टन अमेरिका की तरह सुपर सोल्जर सिरम दिया जाता है और इसे जो है कैप्टन अमेरिका की जगह लेनी थी, तो इसी मारे से बहुत सारे मिशन मिलते हैं जिसे पूरा कर देता है। और इसे एक मिशन तो विंटर सोल्जर के खिलाफ मिलता है जिसके अंदर ये विंटर सोल्जर का एक जो लोहे वाला हाथ होता है उसको पूरी तरह से डैमेज कर देता है और वो मिशन पूरा कंप्लीट कर देता है। तो सोचिए कितना ज्यादा पावरफुल होगा कि इन्हें विंटर सोल्जर का एक हाथ ही डैमेज कर देता है लोहे वाला। और उसके बाद इसे एक मिशन मिलता है तो उसके अंदर इसे पकड़ लेते हैं और इसे 30 साल तक टॉर्चर किया जाता है, लेकिन ये उस टॉर्चर को भी सर्वाइव कर लेता है। और उसके बाद जब बूढ़ा हो जाता है, जब सैम विल्सन इसे मिलने जाता है, एक लोहे का बॉक्स होता है वो सीधा गेट पे देके मारता है और वो भी आदत गेट के अंदर गड़ जाता है। तो सोचो वो उस उम्र में भी इतना ज्यादा पावरफुल है तो अपनी उम्र में वो कितना ज्यादा ही पावरफुल होगा। चौथे पे आता है हमारा जॉन स्मिथ या फिर कहें रेड स्कल। जैसे कि मैंने बताया, ये डॉक्टर अब्राहम एरिस्किन के साथ ही काम कर रहा होता है सुपर सोल्जर सीरम के ऊपर, लेकिन फॉर्मूला पूरा होने से पहले ही उसे अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है जिससे इसके अंदर फिजिकल पावर सुपर पावर तो आ जाती है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एबिलिटीज और स्टैमिना तो आ जाता है, लेकिन इसकी स्किन जो है वो रेड पड़ जाती है, उसका चेहरा थोड़ा खराब हो जाता है जिससे ये बन जाता है रेड स्कल। पावरफुल तो बहुत होता है लेकिन इसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका होता है। और यही जो है हमारा हाइड्रा का फाउंडर है, इसने हाइड्रा बनाया और इसने कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर सोल्जर को अच्छी खासी टक्कर दी थी। तो ये चौथे नंबर पे आना डिजर्व तो करता ही है। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा विंटर सोल्जर। इसको हाइड्रा वाले पकड़ के इसका ब्रेन वॉश कर देते हैं और इसके अंदर सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट कर देते हैं और एक हाथ काट के लोहे का हाथ लगा देते हैं जिससे ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि इसका एक हाथ लोहे का होता है। और इसे जो भी मिशन मिलता था वो इसे पूरा करके आता था और अकेले ही जाता था, चाहे सामने जितने मर्जी हो, ये अकेले जाता था, मिशन पूरा करके आता था। और विंटर सोल्जर मूवी के अंदर तो इन्हें कैप्टन अमेरिका की भी हालत खराब कर दी थी। तो सोचो अगर कोई नॉर्मल यूनिट्स के आगे होगा तो वो तो इसे देख के मुंह देगा। दूसरे नंबर पे आता है हमारा स्टीव रॉजर्स, कैप्टन अमेरिका। इसके बारे में अब क्या ही बताऊँ, आप सबको मुझसे ज्यादा पता होगा। इसकी सबसे बड़ी फीट्स के बारे में बात करें तो इन्हें अपने एक ही हाथ से पूरे के पूरे हेलीकॉप्टर को रोक दिया था और एक ह्यूमन होते हुए भी ये पूरी थैनोस की आर्मी के सामने अकेले चल दिया था। तो इससे पता लगता है पूरी तरह से फेयरलेस है, अगर इसने कुछ ठान लिया करना है तो करना है। और इसने सिविल वॉर के अंदर आयरन मैन को हराया था, मतलब अच्छी खासी टक्कर दे दी थी आयरन मैन को भी। और विंटर सोल्जर मूवी के अंदर तो ये पता नहीं कितने ऊपर से एक बिल्डिंग के अंदर से कूद जाता जिससे इसे कुछ होता भी नहीं है, जिससे हमें इसकी पावर के बारे में पता लगता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में पता लगता है, स्ट्रेंथ के बारे में पता लगता है। और इसकी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा है, मतलब 70-80 किलोमीटर की स्पीड से तो खुद भाग लेता है नॉर्मली, जैसे कि हमने सिविल वॉर के अंदर भी देखा था, ये बायपास के नीचे से बहुत तेजी भाग रहे थे जहाँ पे कार भी जो है इनके पीछे रह जा रही थी और ये सब आगे निकल जा रहे थे। ये एक अच्छा इंसान भी था, इसलिए इन्हें जो है एंड गेम के अंदर थोर का म्योनियर भी उठा लिया था जिससे ये और भी ज्यादा पावरफुल बन गया था। लेकिन सुपर सोल्जर्स में बात करें तो ये सेकंड नंबर पे आता है। और पहले नंबर पे आता है एमिली ब्लोन्स्की, जो कि हमारा एबोमिनेशन है। इसे सरकार की तरफ से, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से जो है सीरम दिया जाता है क्योंकि वो जो है हल्क से परेशान हो चुके थे, तो हल्क की टक्कर को उन्हें कोई चाहिए था, तो ये एबोमिनेशन बनाते हैं जो कि हल्क से भी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन हार जाता है वो बात अलग है। लेकिन ये जो है सबसे पावरफुल सुपर सोल्जर माना जाता है पूरे एमसीयू के अंदर। बाकी इसके पावर के बारे में बताया नहीं क्या है, आपने सबसे ज्यादा देख ही रखा होगा इसे द इनक्रेडिबल हल्क के अंदर कि इसने क्या क्या तबाही मचा दी थी पूरी मूवी के अंदर। वैसे ये थे 5 ऐसे सुपर सोल्जर थे जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं एमसीयू की मूवीज कॉमिक्स के अंदर। बाकी आपको वीडियो कैसे लगे, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।